रेशमीज लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। तो कैसे आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो आज का जो रेसिपी है ना वो है चिकन टिक्का कबाब। ठीक है, तो ये रेसिपी मैं आप लोगों के लिए सिंपल वे में बनाने की कोशिश की हूँ और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाई हूँ, तो आप लोग भी बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। और आप लोगों को बनाने के बाद आप लोगों को कैसा लगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और घर पे ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए वीडियो को देखिए और अभी देखिए इंग्रेडिएंट्स जो लगने वाली है इसमें। ठीक है, तो उसके बीच में आप लोगों से फिर मिलूँगी। मेरा बनाना हो गया कंप्लीट और अब मैं रिव्यू दूंगी। मेरे भाई आए हुए थे खाने के लिए तो उन लोगों को मैंने बुलाया था, हस्बैंड भी खाए हैं लेकिन रिव्यू देने के लिए मैं भाई लोगों को भी बुलाई हूँ। तो जस्ट उसका रिव्यू आप लोग देख लो, उसके बाद आपको लास्ट में फिर से मिलती हूँ। ठीक है, तो भाई क्या बोलता है, उसको कैसा लगा, रिव्यू कैसा लगा, तो ये भी सुनिएगा। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू करो साथ में। चुका हूँ अपने दीदी के घर पे, उसने मुझे इनवाइट किया था, उसने वो बारबेक्यू चिकन बनाई है और आप जैसे कि देख सकते हैं ये बारबेक्यू चिकन देखने में तो बहुत डिलीशियस लग रहा है। मैं अभी तक ट्राई नहीं किया इसको, पर ट्राई करने जा रहा हूँ, तो आई थॉट दैट मैं आपको थोड़ा रिव्यू दे दूँ कि आज का कैसा ऐसे ये बना है। इसका ब्लॉग आपको मिल ही जाएगा कैसे वो बनाई है, लेकिन आज मैं इसको जा रहा हूँ टेस्ट करने और देखते हैं कैसे बना है। तो टेस्ट करके बताओ। तो भाई कैसा रिस्पांस बताओ, कुछ अपना प्रतिक्रिया बताओ। फैंटास्टिक है, क्या बोले, वेजिटेबल के साथ खा के देखता हूँ।
कैमरा में देख के कुछ तो बोलो। इसका टेक्सचर जो है आप देख सकते हैं, हाथ से इसको तोड़ा जा सकता है, इतना ये नरम है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो स्मोक का ये है, इसमें ये जो स्मोकी फ्लेवर है इसके ऊपर, ये जो बर्ड ये देख रहे हैं, इससे और भी ज़्यादा इसका फ्लेवर पे आपको ये मिलता है कि स्वाद मिलता है इसका। और उसके ऊपर से ये जो हम इसे इसको राई से खा रहे हैं, नहीं पता दूसरी जगह पे क्या बोलते हैं, बट हमारे बट यहाँ तो मस्टर्ड से खा रहे हैं, मस्टर्ड सॉस। इससे आपको अच्छा लगा? तो आपको अच्छा लगा ये तो व्यूअर्स के लिए बता दो, व्यूअर्स को बता दो कि मस्ट ट्राई एंड कमेंट बिलो। ऑब्वियसली मस्ट ट्राई, अभी ब्लॉग को देखिए, इसको अपने घर पे बनाइए, अभी लॉकडाउन है तो घर में बैठ के कुछ तो करना है, तो ऐसा ये बनाइए सबके साथ। लॉकडाउन भी रेस्टोरेंट में 250 रुपया प्लेट, यहाँ पे बैठ के 100 रुपया के अंदर कंप्लीट हो गया। तो पीछे से जैसे कि मेरे हस्बैंड भी आवाज पे बोल रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं सकते क्योंकि वो टी शर्ट नहीं पहने हैं। ठीक है, तो चलिए, नंगा घूम रहा हूँ घर में, गर्मी है, कोई भी कर सकता है, वैसा कोई बात नहीं है। तो उसके लिए तुम साइड से एक लाइक दे सकते हो ऐसे कैमरा में, हम उसको ले सकते हैं। का लाइक नहीं, चिकन मिलेगा और तो दे दूंगा फिर। तो चिकन के लिए तुमसे कल मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देख लिया होगा आपने, कैसा लगा बताइएगा। और अगर पसंद आता है ना, तो वो जो नोटिफिकेशन का बिल है वो भी प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। आप लोग अगर ये करोगे ना, तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि और भी हम लोग आपके लिए कुछ नए चीज़ें लेके आए आपके पास। और इसको छोड़ के अगर किसी और को और भी कुछ वीडियोस देखना है, मैं बनाऊँ, आपको सजेस्ट करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर उस वीडियो को लेके आऊँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ। तो ठीक है, आज के लिए टाटा बाय बाय।